वो तीसरा कौन है? ये कम्युनिटी और बीएलवी का मसला है। यहां पे दोनों विन विन सिचुएशन, दोनों बेनिफिट ले रहे हैं, लेकिन इन दोनों से बड़ा बेनिफिट तीसरा ले रहा है, वो कौन है बताएं? नहीं पता? एक्सचेंजर नहीं, एक्सचेंजर कोई नहीं। बताएं 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 बताएं। बिलअप डैम की नई कम्युनिटी होगी। अच्छा सर, सर बीएफआईसी। हाँ जी, असल बेनिफिट उठा रहा है बीएफआईसी, जो कि आपको अगले चंद दिनों में नजर आ जाएगा कि उसका लेना देना भी कोई नहीं। ना उसने बीएलडी की कम्युनिटी को कोई बेनिफिट दिया, ना कंपनी ने यानी कि जो वो बीएलडी की कम्युनिटी को भी देने में लिए कुछ नहीं है, उसका कुछ नहीं दिया उसने, और कंपनी को भी कुछ नहीं दिया। लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट, सबसे ज्यादा बेनिफिशियल जो है वो बीएफआईसी निकल आया। तो सिर्फ बीएफआईसी की अगले 8 से 10 दिन में इस सारे सिनेरियो में लेने देने में जो डिमांड क्रिएट होने वाली है ना, गैस करें कोई, कम से कम 4 to 5 मिलियन बीएफआईसी की डिमांड क्रिएट हो रही है इस सारे सिनेरियो में। तो यही वो वजह है जिसमें हमने इकोसिस्टम जो है वो पूरा इकोसिस्टम बीएफआईसी को बेनिफिट दे रहा है। अब आपका जो $10,000 निकलना है 1 लाख के बदले, ये सारा सिनेरियो जो है वो एक इकोसिस्टम में घूम रहा है, और वो इकोसिस्टम अपनी सारी चीजें मैनेज करता हुआ सारा बेनिफिट दे रहा है बीएफआईसी को। ये इसको कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड ट्रू इकोसिस्टम। और यहां से पता चलता है कि कंपनी ना अपने बीएफआईसी को पीछे रहने देती है, ना अपनी कम्युनिटी को पीछे रहने देती है, और ना ही अपने किसी प्रोजेक्ट को पीछे रहने देती है। यहां पे अगर आप कंपनी के इंटेंशंस को गौर करें ना, तो इस एक प्लानिंग में कम्युनिटी भी बेनिफिट में है, कंपनी भी बेनिफिट है, इकोसिस्टम भी बेनिफिट में है, और बीएफआईसी की ब्लॉकचेन भी बेनिफिट में। तो मेरे ख्याल से अभी इतनी है, बाकी आपको डिटेल जो है वो सारे लीडर्स गाइड कर देंगे, ऑफिशियली भी आपको बता देंगे। सिर्फ आपने गणित क्या लगाने हैं कि भाई ये 200 मिलियन सप्लाई कैसे हो गई 2 बिलियन की सप्लाई। मैं बता रहा हूं ना, ये बच्चों की, स्टूडेंट्स की समझ से बाहर की बातें हैं, ठीक है, और जाहिलों के बस की बात नहीं है। ये ऊपर लेवल की चीजें हैं, ये सिर्फ बेनिफिट देंगी आपको। वो इसीलिए बात कहा जाती है कि इनोवेशन फैक्ट्री जो है ना वो दिल में आती है, समझ में नहीं आती। और जो अपने आप में बहुत ज्यादा अरस्तू बन रहा होता है ना वॉइस मैसेजेस कर करके, तो समझ जाए आप कि समझ उसको भी कुछ नहीं आई, वो सिर्फ अपना गिरेबान झांक के ना वो आपको बता रहा होता है अपनी असलियत, जो उसकी असलियत होती है ना वो ही वो कंपनी का नाम लेके वो बता रहा होता है। जी हाँ जी, लीडरान कुछ समझ आई आपको? और क्या कहते हैं, एग्री है?